दोस्तों, मैं हूँ राजवंश सिंह मोहाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है वो फाइनेंशियल एजुकेशन चैप्टर का है। फाइनेंशियल एजुकेशन चैप्टर में मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अपने लायबिलिटी को एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। पहले तो ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि एसेट और लायबिलिटी क्या है, क्या दोनों में फ़र्क है, एसेट क्या चीज़ होती है, लायबिलिटी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले एसेट के बारे में जान लो। एसेट उसको कहते हैं जिससे आपकी जेब में पैसा डलता है, और लायबिलिटी उसको कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। हम बात करने वाले हैं कि एक घर जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी के हिसाब से, और मैं 28 इयर्स 28 साल का तजर्बे के हिसाब से रियल एस्टेट में, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि घर एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। आप बड़ी कार लेते हो वो आपका एसेट नहीं है, एक लायबिलिटी है। इसी तरीके के जो खर्चे आपकी आमदन को नीचे लाते हैं, मतलब उनको दीमक की तरह खाते हैं, उसको हम एसेट नहीं बोल सकते। एसेट वो है जो हमारी पूंजी को, हमारे वेल्थ को आगे से आगे बढ़ाने में मदद करे। सो मैं ये जो कहा है कि एक घर एक जो है एसेट नहीं है, रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, मैं भी इस बात का हामी हूँ। मेरी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में मैंने इसका पूरा चैप्टर दिया है कि बाई योर हाउस विद एक्स्ट्रा केयर। अपना जो घर खरीदना है उसको बिल्कुल अलग ही, मतलब हर एंगल से सोच के खरीदना है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ऐसी लायबिलिटी को भी एसेट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये मोहाली के आसपास का, मैं अब इसका नाम नहीं बताना चाहता जगह का, मोहाली के पास एक रोड मेन रोड जा रही है। मेन रोड पे इस तरफ यहाँ मार्केट बनी हुई है, यहाँ तकरीबन मार्केट है, थोड़ी दूर जाके तो ये मार्केट पूरी की पूरी मार्केट बन चुकी है। तो ये एक जगह मिल रही है, एक एकड़ ज़मीन है जिसमें 3 बेडरूम का हाउस बना हुआ है, और पूरे एकड़ है 220 फिट और 198 फिट, पूरी चार दीवारी हो रही है, और इसमें पीछे ये मैंने हाउस लिखा है, हाउस घर भी बना हुआ है। यदि हम इस घर को ख़रीद लेते हैं, ये मिल रहा है हमें एग्रीकल्चर लैंड में, लैंड के रेट में, घर भी बना हुआ है, जितना भी वहाँ रेट होना चाहिए उसी के हिसाब से मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि थोड़ा सा रेट वो ज़्यादा मांग रहा है, लेकिन यदि हम उसके साथ डील कर लें, उसके साथ हम टेबल पर बैठ के बात करनी चाहें, तो वो मेरा ख्याल है भी बिल्कुल जेन्युइन रेट पे आके इस चीज़ को दे सकता है, क्योंकि वो बंदा बाहर जा रहा है। तो ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि ये घर आप ले लेते हो, ये पीछे ये 220 फीट है, इसमें आप यदि 30 फीट का रास्ता भी छोड़ देते हो, ये 30 फीट का रास्ता छोड़ दो, 30 फुट वाइड रोड, तो भी इसमें 190 फुट हमें मिलता है। 190 में आपकी 19 दुकानें निकलती हैं, ये 19 दुकानें, यहाँ रेट दुकान का रेट है 10 लाख रुपए के आसपास। तो यदि ये 5 लाख का रेट भी लगाया जाए तो 19 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तकरीबन 95 लाख, ये 1 करोड़ के आसपास ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और बाकी ये सारा सिस्टम हमें बहुत कम रेट में मतलब पड़ सकता है। तो हमने ऐसी लायबिलिटी को खरीद लेना है जिसको हम एसेट में कन्वर्ट कर सकें। सो दोस्तों, ये देखो, आप मैंने ये बताया आपको, दूसरे एंगल से मैं ये कहता हूँ, आपको बड़ी कार का शौक है, कार ले लो 20 लाख की, 50 लाख की, जितनी मर्जी ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप उसको पंजाब के हिसाब से एसेट में तब्दील करना चाहो, तो बड़ी कारों का शादियों में चलन बहुत है हमारे, तो बड़ी कार ले लो 20 लाख की, 50 लाख की, यदि आप उसको अपने पर्सनल यूज़ पर कभी कभी करें, शौक के तौर पर यूज़ करो, और बाकी शादियों में जब भेजना शुरू कर दोगे तो उसमें से भी आपको जो आपका लायबिलिटी है, कार एक लायबिलिटी है, उसमें से भी आपका एसेट तैयार हो जाएगा। सो हमने काम वो करना है जिसके साथ हमें पैसे के साथ हमारा पैसा बनता रहे, ना कि पैसे के साथ पैसा ख़राब होता रहे। मैंने ऐसे बंदों की भी एग्जांपल आपने उसमें दी है, मेरी लाइफ में ऐसे बंदे भी आए हैं जिनने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बेची,
2008 में 2 सितंबर 2008 को 2 करोड़ 6 लाख की रजिस्ट्री करवाई थी और उसने अपने घर पर पैसा लगा लिया और घर भी कहाँ गांव में, जहाँ पर सिर्फ 5 या 6-7 फुट की गली है, 6-7 फुट की गली के ऊपर मतलब करोड़ों रुपए लगा के वो आज आदमी बिल्कुल पैसे पैसे का मोहताज हो चुका है। सो हमने ऐसी गलती नहीं करनी। हमने यदि घर लेना है, अच्छा घर लेना, तो इस तरीके का ले सकते हो। यदि आपने शौक पूरा करना है, ये बहुत बढ़िया घर बना हुआ पीछे, और ये कल को आपको इसके जैसे जैसे मार्केट इधर आती रहेगी, ये इस यदि यहाँ 10 लाख का रेट है तो यहाँ भी 10 लाख हो जाएगा। तो 19 दुकानें हैं, यदि 19 दुकानें 10 लाख के हिसाब से करें तो 1 करोड़ 90 लाख रुपए की हो जाती हैं। तो आपको इस प्रॉपर्टी में कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। आज की डेट में ये लाइबिलिटी है, लेकिन आपके देखने की आंख क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एसेट ही है, लेकिन हम यदि इसको देखेंगे एसेट के तौर पर देखेंगे, देखने में जब हम पहली बार बात करते हैं कि हम घर खरीदने जा रहे हैं, तो ये हमें 100% ऐसे लगेगा कि ये लाइबिलिटी है। लेकिन इसमें लाइबिलिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एसेट। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी कहीं भी पैसा लगाना है, ज़्यादा पैसा लगाना है, लगाने से पहले हर हालत में सोचना है कि इसमें ये कहीं हमारे लिए जी का जंजाल तो नहीं बन जाएगा। यदि ये जी का जंजाल बन जाएगा तो ऐसा काम नहीं करना। आने वाले टाइम में आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ हो जाए, आपका फ्यूचर सेफ हो जाए, इस तरीके की प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, चला सकते हो। इसमें आपका रहने का शौक भी पूरा हो गया और 1 एकड़ जगह कम नहीं होती। लोग 5 मरले 10 मरले के घर में बहुत खुश रहते हैं लोग, और ये तो फिर समझो 160 मरले का घर है, वो भी बड़े मरले। तो इसमें तो आप अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय कर सकते हो और आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर भी बहुत बढ़िया रह सकता है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, और कोई आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि आपके किसी दोस्त के ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट है काम आ सके और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके, आपकी मेंटल ग्रोथ हो सके। यही मेरा तात्पर्य है, यही मेरे प्रयास है कि मैं आपके कितना काम आ सकता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।